बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैकस्ट्रीट किचन। आज हम बैकस्ट्रीट किचन से बनाने जा रहे हैं हाई प्रोटीन कटलेट्स, जिनका टेस्ट खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी हैं और बनाने में बहुत ही सिंपल है। और इन कटलेट्स की सबसे ख़ास बात यह है कि इसको बनाकर आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। अपने इफ्तार के लिए इस हेल्दी कटलेट्स को ज़रूर शामिल कीजिएगा। प्रोटीन कटलेट्स बनाने के लिए चिकन चाहिए है 1 कप, जिसको मैंने बॉईल करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। चने जिनको बॉईल कर लिया है वो भी हमें चाहिए है तकरीबन 1 कप के करीब। लाल लोबिया चाहिए है 1/2 कप के करीब, वो भी बॉईल हुआ हुआ है। सब्ज मिर्च 2 से 3 अदद और हरा धनिया हसबे ज़रूरत डालकर चॉपर में पीस लेना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही हमारा मिक्सचर चॉपर में पीस जाएगा तो इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये मिक्सचर बाउल में ट्रांसफ़र हो गया है। अब इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के आलू, जिनको बॉईल करके पीस लिया था, वो भी डाल देंगे। साथ ही लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून डालेंगे, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये सब कुछ डालकर अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि हर चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप शामी कबाब या आलू के कटलेट्स बनाकर बोर हो गए हैं और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और इसका फ्लेवर भी, ये खाने में भी बाकी कटलेट्स से थोड़ा हटकर है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं ये कबाब। अब हम इस मिक्सचर से इनको कबाब की शेप दे देंगे। जो शेप आप देना चाहते हैं वो आप दे दें। फिलहाल यहाँ पर राउंड शेप ही कबाब को दी जा रही है, तो बस इनको राउंड शेप देकर फटाफट बनाते जाएं। बहुत सारे तकरीबन 16 से 17 कबाब जो हैं वो इस मिक्सचर से रेडी हो जाते हैं। तो ये सारे कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं। अब इन कबाब की कोटिंग करने के लिए हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप के करीब। इसके अंदर डालेंगे ओरिगानो 1/4 टेबलस्पून और पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून। ये दोनों ऑप्शनल हैं, सिर्फ फ्लेवर के लिए डाले हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल हैं। आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही 2 अंडे फेंट लिए हैं, तो कबाब को पहले अंडों में डिप करेंगे और फिर ऊपर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। अब इस स्टेज पर आप इनको कोट करने के बाद एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज कर लें। रमज़ान मुबारक के लिए इस कटलेट्स को अभी से बनाकर आप स्टोर कर लें और अब इनको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल में फ्राई करेंगे। ये कटलेट्स अफ्तार में आपको बहुत एनर्जी देगा, तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये कबाब बहुत हेल्दी हैं, टेस्टी हैं। इसको जब इस ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे तो फिर इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।